अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख और ये है Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G। बेसिकली दोस्तों ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है चाइना में एंड अभी तक इंडिया में तो नहीं आया है, लेकिन अगर आता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये आएगा Xiaomi Mi 11i के नाम से, जैसा कि लीक्स में बताया जा रहा है। बट अभी कुछ भी कन्फर्म नहीं है, ये भी हो सकता है कि ये एक मीडिया टेक वाला वर्जन है, बट पॉसिबली कि इंडिया में अगर आए तो एक स्नैपड्रैगन वाला वर्जन आए, तो देखते हैं क्या होता है, उसका इंतज़ार कर लेते हैं। बट आज इस वीडियो में करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। चाइनीज वेरिएंट है दोस्तों, चाइना से मंगवाया है मैंने सलीम बाबा की मदद से, और जानेंगे कि आखिर ये स्मार्टफोन कैसा है, कुछ मेरे पर्सनल व्यूज इस स्मार्टफोन के बारे में। तो अगर आप इसका बॉक्स देखेंगे तो ये एक बिल्कुल ही वाइट कलर का सिंपल सा बॉक्स है, लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, बॉक्स के ऊपर में ही 67 वॉट लिखा गया है। तो जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही ज़्यादा फास्ट चार्ज होने वाला डिवाइस है। मतलब ये फ़ोन तो 67 वॉट के साथ में आता है, बट अगर इसका प्लस वेरियंट हो जो कि प्रो प्लस है, वो तो 120 वॉट के साथ में आता है, बट वो वेरियंट मैं नहीं मंगवा पाया हूँ, वो ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि इसका जो साउंड है वो JBL की तरफ से है, इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस भी मिल जाता है। एंड अगर हम लोग इसके अनबॉक्सिंग को थोड़ा सा कट करें तो जी हाँ, ये सारी चीजें मिल जाती है इसकी बॉक्स पैक में। मतलब कि आपको यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जाता है, एक 67 वॉट का चार्जर मिल जाता है, एक USB केबल मिल जाता है जो कि अच्छी क्वालिटी का है, एंड एक सिम ट्रे इजेक्टर टूल भी दिया गया है। साथ ही साथ आपको एक कवर मिलता है जो कि सिलिकन का ट्रांसपेरेंट कवर है, एंड फाइनली आपको अपना फोन जो है मिल जाता है। ये सारी चीजें मिलती है इसकी बॉक्स पैक में, एंड जो सिलिकन कवर है वो बहुत ही अच्छे से फिट हो जाता है हमारे स्मार्टफोन से। बट हाउ इज दिस स्मार्टफोन, क्या ये अच्छा है या नहीं है? तो इस स्मार्टफोन के बारे में बताने से पहले एक चीज बता दूं कि भाई इसका अगर आप डिजाइन देखोगे तो ये फ्लैट पूरा डिजाइन है, यानी कि जो बैक है वो पूरा फ्लैट है, जो साइड्स है वो पूरी तरह से फ्लैट है, जो फ्रंट है वो 2.5D कर्व्ड है, पूरा फ्लैट नहीं है। लेकिन दोस्तों ओवरऑल जो इन हैंड फील आती है वो बहुत ही कमाल की आती है। ऐसा मैंने बहुत ही सालों के बाद देखा है कि Xiaomi एक फ्लैट डिज़ाइन के साथ में जा रहा है, क्योंकि आईफोन वाले भी फ्लैट पे आ चुके हैं, तो Xiaomi ने भी सोचा यार हम भी बनाते हैं फ्लैट डिज़ाइन। आपको याद होगा Xiaomi का Mi 4 आया था दोस्तों 2015 के आसपास में, एंड वो शायद आखिरी Xiaomi का फ़ोन था जिसमें कम्प्लीटली फ्लैट साइड्स दिए गए थे। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट तरह का दोस्तों डिज़ाइन लगता है, बहुत ही कूल लगता है, नया लगता है, एंड ऐसा फील होता है कि जी हाँ ऐसा फ्लैट एजेस हमें बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहे हैं। क्योंकि जो बैक है दोस्तों वो पूरी तरह से फ्रॉस्टेड ग्लास दी गई है, कलर भी सुंदर लगता है दोस्तों, ये पर्पल कलर हमने मंगाया है, 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाली वेरियंट है। एंड जो कैमरा यूनिट देख रहे दोस्तों वो एक अलग ही तरह से मतलब पॉप आउट कर रहा है, बहुत ही ज्यादा बाहर की ओर निकला हुआ है। बट अच्छी बात यह है कि भाई Redmi Note 10 Pro से थोड़ा ये स्लिम लगता है, मतलब हाँ ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पतला तो हुआ है, एंड हाथों में ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी फील होता है दोस्तों। मतलब बेसिकली मुझे ऐसा बहुत ही दिनों के बाद मज़ा आ रहा है एक अंडर 20,000 वाले स्मार्टफोन को पकड़ने में, बहुत ही दिनों के बाद एक अलग फीलिंग आ रही है। मतलब Redmi Note 10 Pro से भी अच्छी फीलिंग आ रही है, वो एक अपने आप में लाजवाब फोन था, बट दिस हैज़ गॉट सम अनदर लेवल इन डिज़ाइन दोस्तों। इसके अलावा अगर पोर्ट्स की बात कर ले तो नीचे में हमें यहाँ पे सिम ट्रे मिल जाता है जिसमें आप दो सिम लगा सकते हैं और एक सिम एक माइक्रो SD लगा सकते हैं, तो हाइब्रिड वाला दिया गया है। USB-C मिल जाता है, एक माइक्रोफोन है, नीचे में एक स्पीकर है, ऊपर की साइड में देखेंगे तो एक और स्पीकर है, यानी कि स्टीरियो स्पीकर के साथ में आता है, उसके बगल में JBL की ब्रांडिंग की गई है, एक और माइक है दोस्तों जो कि नॉइस कैंसिलेशन के लिए, आयर ब्लास्टर भी है, और यहाँ पे ऊपर में 3.5mm ऑडियो जैक भी दिया गया है। राइट साइड में दोस्तों आपको एक पावर बटन मिलता है जिसमें फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, तो अगेन AMOLED डिस्प्ले होते हुए भी यहाँ पे साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर और एक वॉल्यूम रॉकर मिल जाता है। लेफ्ट साइड दोस्तों पूरी तरह से खाली, एकदम प्लेन स्मूथ मक्खन की तरह। तो पीछे के साइड में कैमरा दोस्तों जिसमें आपको मिलता है 108MP का मेन कैमरा, एक वाइड एंगल लेंस 8MP का और 2MP का टेलीफोटो वाला मैक्रो लेंस बस, और जो बाकी के दो चीज़ें हैं एक सिंगल LED फ्लैश है और एक कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही दे दिया उन्होंने। और यहाँ पे दोस्तों फ्रंट के साइड में आप देखेंगे तो एक आपको बहुत ही छोटा सा दोस्तों यहाँ पे छोटू सा दिखने वाला बहुत ही छोटा सा पंच होल है कैमरा, जो कि 16MP का है, और जो डिस्प्ले है दोस्तों वो 6.67 इंचेस की फुल HD+ वाली सुपर AMOLED डिस्प्ले है जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। इस डिस्प्ले को देखने के बाद एक चीज़ मुझे फील हुआ दोस्तों, वो ये कि ये थोड़ा सा पहले से टॉल डिस्प्ले लग रहा है। हाँ अभी भी 20:9 की ही रेशियो है, बट मैं जब इसे कंपेयर कर रहा हूँ दोस्तों Redmi Note 10 Pro से या Mi 11H से,
तो ऐसा फील हो रहा है, लगता है कि दोस्तों ये थोड़ा टॉल डिस्प्ले है, मतलब इस वजह से शायद ये ज़्यादा कंफर्टेबल है, या फिर मे बी इल्यूजन हो क्योंकि उन्होंने दोस्तों फ्लैट साइड डाल दी है, तो शायद इस वजह से ये इल्यूजन लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा टॉल डिस्प्ले है, बाकी रेशियो वगैरह तो सेम ही है, तो रेशियो सेम है तो ओवरऑल सेम ही होना चाहिए। एंड डिस्प्ले के जो कलर्स है, सैचुरेशन है, शार्पनेस है, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा कमाल है, एमोलेड है तो डीपर ब्लैक्स भी नज़र आते हैं, एंड ओवरऑल खूबसूरत लगता है डिस्प्ले। बट दोस्तों इसमें भी मिलता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 920 प्रोसेसर, एंड इसका मैंने AnTuTu टेस्ट किया, एंड जो यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिला वो लगभग 435,000 के आसपास इसका जो है रिजल्ट आ रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। एंड सच में दोस्तों ये जो प्रोसेसर है बहुत ही ज़्यादा कैपेबल प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर पे मैंने अभी तक गेमिंग तो नहीं करी है, बट अभी तक मुझे जितना ज़्यादा परफॉर्मेंस मिला है वो बहुत ही अच्छा मिला है, स्मूथ मिला है। 120 हर्ट्ज़ का जो डिस्प्ले है वो ईजिली दोस्तों स्मूथली रन करता है, कोई भी एप्लीकेशन को लो फास्ट खुलता है दोस्तों। एंड अभी मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं किया है, जब मैं इस फ़ोन को भर दूंगा तब मैं इसका रिव्यू लाऊंगा, बट इनिशियली दोस्तों मुझे ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लगा है, एंड मुझे इसके फ़ोन की और कोई परेशानी नहीं लगी है। एंड साथ ही साथ दोस्तों जो बैटरी है वो 5160 mAh की है, तो मैं जब से इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों अभी तक सिर्फ 26% बैटरी डाउन हुआ है, जबकि शायद मैं 3 घंटे से ज़्यादा का इस्तेमाल टाइम ले चुका हूँ, तो ओवरऑल अभी तक तो बैटरी सही लगी है, रिव्यू में ज़्यादा बातें करेंगे। 67W की जो चार्जिंग मिलती है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है लिटरली दोस्तों, लेकिन अभी तक मैंने बहुत ज़्यादा टेस्टिंग नहीं करा है तो उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। एंड फाइनली आते हैं दोस्तों इसके कैमरास पे, जहाँ पे मैं खुश भी हूँ एंड डिसअपॉइंटेड भी हूँ। खुश इस बात से हूँ कि इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जी हाँ, पहले प्रो और प्रो मैक्स आता था, प्रो में आपको मिलता था सिर्फ 64 मेगापिक्सल, इस बार प्रो में भी 108 मेगापिक्सल दिया गया है। जो पिक्चर्स आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प है, क्लियर है, अच्छे आते हैं, बट चाइना के लिए दोस्तों ये स्पेसिफिकली थोड़ा सा ट्यून्ड किया गया है, इसलिए जो ह्यूमन टोन्स अभी आ रहे हैं दोस्तों, स्पेशली मैंने जब अपना सेल्फी वगैरह लिया, जब मैंने बैक कैमरा से मतलब बैक भी लिया, तो बेसिकली दोस्तों उतना अच्छा मुझे नहीं लगा स्किन टोन अभी के लिए फिलहाल, बट स्टिल मुझे पता है इंडिया में अगर आएगा तो बेसिकली दोस्तों मुझे लगता है फिक्स होकर के ही आएगा, या इंडिया के हिसाब से कस्टमाइजेशन करके ही दिया जाएगा, आई एम श्योर अबाउट दिस। बट दोस्तों बट चलो, मेन कैमरा अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, आई नो, उसके अलावा 8 मेगापिक्सल का जो वाइड एंगल लेंस है आपको पता है बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने लायक नहीं है, अच्छी लाइट में ठीक ठाक फोटोज़ ले सकते हो नॉर्मली दोस्तों, अगेन वही बातें हैं, 2-3 साल से यही चला रहा है 8 मेगापिक्सल वाइड। But I am quite disappointed with its macro. मतलब Xiaomi ने Redmi Note 10 Pro में जो legendary macro दिया था 5 megapixel का tele macro, अब जो है ये एक normal 2 megapixel का tele macro बन गया है। जी हाँ, tele macro दिया है इन्होंने, 50mm का lens अभी भी है इसमें, यानी कि 2x zoom वाला, but यार 2 megapixel का कर दिया, 5 megapixel से 2 megapixel, और सिर्फ यही नहीं, चलो 2 megapixel भी होता तो चल रहा था, Poco X2 में भी 2 megapixel था, मैंने तारीफ की थी, बट 2 megapixel के साथ साथ कोई भी ऑटो फोकस नहीं मिलता है, यानी कि ये फिक्स्ड फोकस वाला 2 megapixel का मैक्रो है जिसका कोई काम नहीं है। सबसे बेस्ट वे 108 megapixel में फ़ोटो खींचो थोड़ी दूर से एंड उसे जूम करके क्रॉप कर लो, तो इससे बेटर आ जाएगी, तो दिस इज़ टोटली अ यूजलेस मैक्रो कैमरा वाला फ़ोन। यार Redmi Note 11 Pro में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 5 की जगह 8 megapixel मैक्रो आ जाए, बट एक एरिया है जहाँ ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, एंड वो मैंने थोड़ा सा टेस्टिंग किया, मुझे पता चल गया, जो कि है दोस्तों इसकी साउंड क्वालिटी। रियली में जो JBL की तरफ से या Dolby की तरफ से इसमें साउंड मिलता है, मतलब बेसिकली JBL की तरफ से स्पीकर्स है, Dolby की तरफ से ऑडियो ट्यून्ड है, एंड वो कमाल का है, बहुत ही ज़्यादा लाउड है, बेस भी इस बार बहुत ही अच्छा इन्होंने दिया है, क्रिस्प साउंड आती है, तो उसके बारे में भी ज़्यादा रिव्यू में हम लोग बातें कर लेंगे। बट ओवरऑल दोस्तों ये जो फ़ोन है रियली में डिजर्विंग है। अब देखो, मैंने कहा ये फ़ोन डिजर्विंग मुझे लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वन ऑफ़ द बेस्ट फोन्स में से है, जी हाँ, मैं बिल्कुल क्लियरली कहना चाहूँगा Redmi Note 10 Pro और 10 Pro Max ने जो फीट अचीव कर लिया है उस फीट को ये अचीव नहीं कर सकता। इससे बेटर मुझे लगा कि भाई Redmi Note 10 Pro Max ही ले लें। हाँ, इसमें आपको 3 चीज़ें हैं जो कि Redmi Note 10 Pro Max से ज़्यादा अच्छी मिलती है। सबसे पहला दोस्तों चार्जिंग स्पीड 67W, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। जो दूसरी चीज़ है दोस्तों वो है इसका इन हैंड फील, जी हाँ, Redmi Note 10 Pro Max से बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये फील होता है ड्यू टू इट्स फ्लैट डिज़ाइन। एंड जो तीसरी चीज़ है दोस्तों वो है इसका परफॉर्मेंस, जो MediaTek Dimensity 920 है वो रियली में दोस्तों Snapdragon 732G को ईजिली दोस्तों आउट परफॉर्म कर सकता है, या करता है बेसिकली, मैंने अभी ही नोटिस कर लिया कि बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। ये 3 चीज़ों में ये Redmi Note 10 Pro Max से डेफिनेटली दोस्तों अपग्रेड है, लेकिन उसके अलावा अगर कैमराज की बात कर ले तो इट इज़ अ डाउनग्रेड। जो Redmi Note 10 Pro Max में मैक्रो मिलता है, जो क्वालिटी मिलता है
वो दोस्तों इसमें आपको नहीं मिलता। बाकी मेन कैमरा काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, जो फ्रंट कैमरा है वो भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। मैं कहूँगा मे बी Redmi Note 10 Pro Max कैमरा में इससे जीत जाए, तो मान सकते हैं कि जो काम Redmi Note 10 Pro Max ने कर दिया वो काम ये तो नहीं कर पा रहा है, बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड फ़ोन। अब ये मैटर करता है कि अगर ये इंडिया में फ़ोन आता है तो इसकी प्राइस कितनी Xiaomi रखता है। अगर अच्छा प्राइस हुआ 20,000 के नीचे हुआ तो रियली में ये किलर होगा, अगर 20,000 के ऊपर हुआ तो फिर आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू टू बाई Redmi Note 10 Pro सीरीज़। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।